YouTube का नया मोनेटाइजेशन का नियम आ चुका है और चुटकी बजाते आपका चैनल होगा मोनेटाइज। इसके लिए आपको 4000 घंटे की कोई जरूरत नहीं है, घंटा नहीं जरूरत है यार, घंटे की। अभी बजा आएगा ना भिड़ो। अब सिर्फ व्यूज आपका मोनेटाइजेशन में काम आ जाएगा, वो भी शॉर्ट का व्यूज यार। मतलब कि ये नहीं कि लॉन्ग में आप लाखों लाख ला रहे हैं, लॉन्ग में लाख व्यू आएगा तब तो ऐसे ही मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन आपका चैनल एकदम इजीली मोनेटाइज होगा सिर्फ आपके शॉर्ट के व्यूज से। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं A to Z डिटेल्स की आखिर नया नियम क्या कहता है आपको, क्योंकि आजकल फटाफट से बनाने में सब गड़बड़ करते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है मोनेटाइज होने के लिए और क्या नियम है एक्चुअली YouTube की तरफ से। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें यार। चलो जानकारी देखते हैं पूरा कंप्लीट, लेट बट एक्यूरेट। तो यार मोनेटाइजेशन का नाम सुनते ही सभी यूट्यूबर्स को लगता है कि मतलब नए यूट्यूबर्स को लगता है कि कैसे होगा यार, कैसे होगा 4000 घंटा, कैसे होगा 1000 सब्सक्राइबर। 1000 सब्सक्राइबर तो कैसे भी करके हो जाता है पूरा, लेकिन घंटा बनाने में घंटा आता है। तो यार ऐसे में क्या होता है कि आपको डिमोटिवेशन लगने लगता है कि क्या करें, नहीं हो रहा है, मोनेटाइज होगा ही नहीं तो कमाएंगे कैसे। लेकिन असलियत यह है यार कि आप अगर मोनेटाइजेशन भर नहीं ला पाते हैं वॉच टाइम वगैरह तो फिर आपको बहुत मुश्किल होती है। तो YouTube आपको समझता है यार। YouTube ने नया नियम क्या लाया है जो कि 2023 से लागू होगा, यानी कि 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगा न्यू ईयर पर। वो अपडेट ये है कि आप उसके 2023 होते ही आप अपने शॉर्ट के व्यूज से भी चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं, आपके शॉर्ट में अगर लास्ट के 90 दिन में 10 मिलियन व्यूज हो और 1000 सब्सक्राइबर चैनल पर होना चाहिए, तो फिर क्या होगा कि आपका चैनल एलिजिबल रहेगा YouTube के पार्टनर प्रोग्राम में, मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल रहेगा भाई। सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन शॉर्ट के व्यूज होने चाहिए लास्ट के 3 महीने में, मतलब 30 या 90 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी राहत और बहुत बड़ी खुशखबरी है शॉर्ट क्रिएटर्स के लिए, जो कि व्यूज तो ला रहे थे लेकिन यार उम्मीद छोड़े हुए थे, मतलब उम्मीद रखे हुए थे लेकिन अंदर से सोचते थे यार मेरा तो कुछ होता ही नहीं, पैसा ही नहीं कमाते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, एक बार और से रिवाइज कर देता हूँ। 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 10 मिलियन व्यूज जितने भी शॉर्ट्स हैं आपके चैनल पर, उससे लास्ट के 90 दिन में 1 करोड़ व्यूज होने चाहिए, मतलब के 10 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 10 मिलियन में 1 करोड़, तो ये होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए तो आप मोनेटाइज कर सकते हैं। तो जिनका शॉर्ट चलता है मेरे भाई, वो तो इजली इतना व्यूज ला ही देते हैं, मतलब के 1 मिलियन या 5 लाख ऐसे तो आ ही जाता है। तो मतलब 10 मिलियन कोई बड़ा टारगेट नहीं है जिनका शॉर्ट चलने लगा, और जो लगातार डालते रहते हैं शॉर्ट्स उनका तो चलना चलना है यार, मतलब चलना तय है, चलना ही चलना है। सेंटेंस में थोड़ा सा खराबी था। तो यहाँ पर अब बात आती है कि एक और क्या अपडेट थी यार शॉर्ट के मोनेटाइजेशन को लेकर के। ये तो हो गया अंदर घुसने का, मतलब मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में घुसने का। अब बात आती है कि शॉर्ट में भी ऐड चलने का बात हो रहा था। जी हाँ भाई, शॉर्ट में भी ऐड चलेगा। शॉर्ट फीड जब आप ऐसे घसीड़ते हैं भाई, ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो उस दरमियान आपको ऐड मिलेगा। और इसमें दो बात निकल के आ रही है। पहली बात ये है कि आपके दो शॉर्ट्स के बीच में जो, मतलब दो क्रिएटर के शॉर्ट के बीच में जो ऐड आता है, मतलब ऐसे ऐसे रगड़ते रहते हैं उसके बीच में जो ऐड आता है दो शॉर्ट के बीच में, तो उन दो क्रिएटर्स के बीच में बटेगा रिवेन्यू। ऐड का 45% यूट्यूब आपको देगा और 55% खुद रखेगा। तो ये पहला केस था भाई। और दूसरा क्या आ रहा है निकल करके, मतलब इसमें पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं कि ऐड का रिवेन्यू कैसे बटेगा शॉर्ट क्रिएटर में। दूसरा ये आ रहा है कि एड्स, दो एड्स के बीच में जितने क्रिएटर्स हैं, मतलब मान लो अभी ऐड आ गया टिन टिन टिन, उसके बाद फिर 6 शॉर्ट है आपका, ठीक है, चल रहा है कुछ भी, अलबल बकायत कुछ भी, हार्ट टचिंग और भी क्या क्या टचिंग स्टोरी रहता है वो सब आएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, एक और ऐड आएगा, पहले ऐड चला टिन टिन, उसके बाद 2-3 शॉर्ट आपने देखा, उसके बाद फिर अगर ऐड चला तो उस दो ऐड के बीच में जितने क्रिएटर्स हैं उनमें पैसा बढ़ जाएगा उस ऐड का, और जितने व्यूज आप ला रहे हैं इसी तरह से उस हिसाब से आपको मिलेगा जैसा कि यूजुअल लॉन्ग वीडियोज में होता है, ठीक है। बस यही है कि आपको 45% मिलेगा एड रिवेन्यू का, लॉन्ग में 55% मिलता है, तो कोई मसला नहीं है। शॉर्ट तो आपको यूट्यूब खुद प्रमोट करता है यार, डायरेक्ट एकदम धाई से एकदम आपको देने लगता है व्यूज। तो शॉर्ट क्रिएटर की बल्ले बल्ले यार, मैं ही हूँ जो लॉन्ग में घसटा रहा हूँ और कुछ व्यूज भी नहीं आ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया शुरू तो शॉर्ट बनाना शुरू कर दो, और अगर कर दिया है तो आपकी तो बल्ले बल्ले 2023 से मोनेटाइज करके मजे मारो यार। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।